लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब न हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब न तक दी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मॉनसून फ्रेश मेकअप लुक। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है मेकअप के लिए, बट फिर भी मैंने एक अच्छा लुक क्रिएट किया है। सो अच्छा मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा वाला स्किन केयर। तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पर। इसे अच्छा वाला स्किन केयर अगर आप करोगे ना तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। एंड इसे पैक करके अपनी स्किन में फिर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे मैं हिमालया का बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है आप वही यूज़ करना। मैं इसे थोड़ा सा हाथ में लाइक स्प्रेड करके फिर अपनी स्किन पर डैब डैब कर रही हूँ। एंड अच्छे से मैं मसाज करूँगी इससे अपने फेस को। मेरी स्किन इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी। अभी हम शुरू करेंगे मेकअप। उससे पहले मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ। ये वादी हर्बल्स का लिप बाम है, मैंने न्यू परचेस किया है एंड आई एम इन लव विद दिस लिप बाम। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी सीसी क्रीम। आई एम इन द शेड बेज। इसमें अपने पूरे स्किन पे डॉट डॉट करके लगा दूंगी अपने डार्क सर्कल्स में। मेरे डार्क सर्कल्स उतने हैं नहीं, बट फिर भी अंडर आइज में, नेक में, पूरे स्किन में डैब डैब करके लगा दूंगी मैं डॉट डॉट करके, ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड फिर मैं एक ब्रश की मदद से इसे स्प्रेड कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उसी से ब्लेंड कीजिए। एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपनी सीसी क्रीम को। नेक में भी हम लगाएंगे एंड अपने ईयर्स में भी, क्योंकि नहीं तो मुंह गोरा और गला काला, ईयर काला हो जाएगा। अच्छे से हम अपने ईयर्स में भी लगाएंगे। अभी अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है इसे। नाउ अभी हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ आईब्राउज। और यहाँ पे मैं चारकोल ब्लैक कलर ले रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। मैं अपने आईब्रोज को ओवर फिल नहीं करूँगी, जैसे मेरे आईब्रोज के शेप है बस उसी को थोड़ा फिल इन करूँगी। कोई भी मैं शेप नहीं दे रही हूँ, वरना मेकअप बहुत हैवी लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबेलिन का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसे अपने चीक्स पे लगा के मैं इसे ब्लेंड करूँगी। एज अ ब्लश मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप लिपस्टिक से भी अच्छे से ब्लश लगा सकते हो, एवरीडे यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा होता है लिपस्टिक से ब्लश लगाना। तो अच्छे से मैं इसे अपनी स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी अपने चीक्स पे, ताकि ना मेरे चीक थोड़े गुलाबी गुलाबी से दिखे, अच्छा लगता है। बीबी क्रीम सीसी क्रीम फाउंडेशन यूज़ करने से पूरा स्किन का इवन कलर हो जाता है, और इसीलिए थोड़ा कलर ऐड करने के लिए हम कॉन्टोर और ब्लश वगैरह लगाते हैं। एंड अभी यहाँ पे मैं थोड़ा लूज पाउडर यूज़ करूँ, क्योंकि गर्मी है और बहुत ऑयली भी हो जाता है स्किन। ज़्यादा ऑयल ना निकले और ऑयली ना लगे, इसलिए मैं अच्छे से अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लैक्मी का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लूज़ पाउडर है एक। इसे मैं लगा के अच्छे से मैं ब्रश से डस्ट ऑफ कर लूँगी। कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, वरना सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। अच्छे से हम डस्ट ऑफ कर लेंगे एक ब्रश की मदद से। और डस्ट ऑफ करने के बाद हम लगाएंगे मस्कारा। और मस्कारा मैं वाटरप्रूफ मस्कारा गर्मियों में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि स्वेट अगर हो भी तो भी लाइक मस्कारा हमारा ना गिरे। अच्छे से मैं अपने अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन में मस्कारा लगा लूँगी। देख लो, मस्कारा लगाने से एकदम आई लुक चेंज हो जाता है। तो अच्छे से मैंने मस्कारा लगा लिया अपने अपर एंड लोअर लैश लाइन पे, क्योंकि मैं आई मेकअप कुछ करनी नहीं वाली इसीलिए। एंड थोड़ा सा बस हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है इन दी शेड रोज़ गोल्ड, मॉल्टन रोज़ गोल्ड। यस, यही शेड नेम है। काफ़ी अच्छा वाला हाइलाइटर है।
बहुत अच्छा वाला हाईलाइटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, वही सेम लिपस्टिक जो मैंने अपने चिक्स पे एज अ ब्लश यूज़ किया था, वही लिपस्टिक मैं अपने लिप्स पे यूज़ कर रही हूँ। एक पिंक कलर ले रही हूँ क्योंकि हमने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, तो फिर मैं एक लिपस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड लिपस्टिक के ऊपर मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ, इससे मेरी लिप्स थोड़े हाइड्रेटिंग भी दिखेंगे, अच्छे से मैं मॉइस्चराइज भी हो जाएगी मेरी लिप्स, बहुत ग्लोई ग्लोई से निकलेगा। और झुमके के बिना हमारा मेकअप इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे मैं ईयरिंग्स डाल रही हूँ, छोटे वाले, बड़े नहीं डाल रही हूँ। एंड एंड में हम थोड़ा टोनर अप्लाई कर लेंगे, इससे हमारी स्किन ग्लोई भी दिखेगी और मेकअप भी हमारा बहुत अच्छा लगेगा। रेगुलर बेसिस पे सेटिंग स्प्रे हमें यूज़ नहीं करनी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट करके बताना मत भूलना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। बाय बाय।